उधर भगवान श्री राम वनवास के लिए जाते हैं। तो देखिए ये बात महाराज भरत जी को पता चला। महाराज भरत जी मैया कैकेयी के पास पहुंचे, बोले मैया धरती को दत्त धन मिले और मित्र मिले परदेश, मैया को जायो ना मिले चाहे ढूंढो तीन ही लोग। महाराज भरत कहते हैं मैया कह गई से कि मैया तेरे दो पर हुए कुल नासी, और आज मैया तेरे कारण ए राम लखन सिया भय बनवासी। मैया तेरे दो पर हुए कुल नासी, यहो ए अरे राम लखन सिया राम लखन सिया भय बनवासी, मैया तेरे दो पर हुए कुल नासी। बोले भैया बन को जाते देख पिताजी अजी हो गए अधीरा, सेना पाए पुत्र वियोग तो तज दियो शरीरा। बन को जाते देख पिताजी, जब भैया राम को वन को जाते देखकर पिताजी के जो अरमान थे सारे टूट गए। वन को जाते देख पिताजी अजी हो गए अधीरा, सेना पाए पुत्र वियोग तो तज दियो शरीरा। और पिताले जगत से चले दशरथ मृदुभाषी। रामायण जी में लिखा है कि महाराज दशरथ जी बहुत अच्छा बोलते थे, सभी से बहुत मधुर बोलते थे। पिताले जगत से चले दशरथ मृदुभाषी, मैया तेरे दो पर हुए कुल नासी। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज भरत कहते हैं कि मैया तेरे कारण आज पिताजी को बहुत दुख हुआ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। अगर दुख है एक बात का है, किस बात का देखें आप। महाराज भरत कहते हैं धर्मात्मा पिता में पाया, बहुत भाग्यशाली हूं जो इतना अच्छा परिवार पाया है।
धर्मात्मा पिता में पाया और राम जैसे भाई। अगर दुख है तो इस बात का है, तेरी कोख से क्यों जन्मा बता दे ओ माई। धर्मात्मा पिता में पाया राम जैसे भाई, तेरी कोख से क्यों जन्मा बता दे ओ माई। और आज मैया तेरे कारण हो गया अभागा भरत, हो गया अभागा भरत, मेरा मन है उदासी। मैया तेरे तो पर हुए कुल नासी, मैया तेरे तो पर हुए कुल ना बोलो। भक्त भगवान की